दोस्तों Xiaomi ने आज चाइनीज मार्केट में अपने Redmi K50 सीरीज को लॉन्च कर दिया और उसके साथ साथ एक नया स्मार्टफोन Redmi K40s को भी लॉन्च करा है जो कि आपको इंडियन मार्केट में बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं पोको ब्रांडिंग के अंदर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ Redmi K50 सीरीज के बारे में, Redmi K40s के बारे में कि इसकी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन क्या रखी गई है, चाइनीज मार्केट में इसकी क्या प्राइसिंग गई है, इंडियन मार्केट में ये कब तक आएगा तो उसकी क्या प्राइसिंग होगी, इन टोटल सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। एंड दोस्तों जो प्राइसिंग रखी गई है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रखी गई है और काफ़ी ज़्यादा किलर स्मार्टफोन निकल कर यहाँ पे आए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा Redmi K50 सीरीज से रिगार्डिंग एंड Redmi K40s से, तो वीडियो में इन तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पे Redmi K50 सीरीज पे दो स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं, Redmi K50 एंड Redmi K50 Pro। Redmi K50 Pro Plus को अभी लॉन्च नहीं करा गया, उसे फ्यूचर में जो है लॉन्च किया जाएगा। मे बी कंपनी ने ऐसा सोचा उसे फ्यूचर में लॉन्च करें, क्योंकि Redmi K50 Pro Plus तो हमें देखने को मिलने वाला है। खैर, जो यहाँ पे लॉन्च हुआ है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे Redmi K50 एंड Redmi K50 Pro के जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी डिट्टो सेम है, जहाँ पे और डिफरेंस होंगे वहाँ पे आपको बताता हुआ चलूंगा कि ये डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम Redmi K50 एंड Redmi K50 Pro के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा Redmi K40s के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो है आपको दोनों ही स्मार्टफोन में K50 एंड K50 Pro में 6.67 इंच का एक 2K AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का हाइयर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा एंड 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में काफी ज्यादा किलर डिस्प्ले यूज करा गया है। अब दोस्तों सामने की तरफ जो आपको पंचोली स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 20 MP का सेल्फी कैमरा लगा कर दिया गया है। अब बैक की तरफ बात करें तो बैक की तरफ जो आपको दोनों ही स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेंगे, बट जो Redmi K50 है वहां पे जो है प्राइमरी कैमरा 48 MP का यूज करा गया है, वहीं पर जो Redmi K50 Pro है वहां पे देखने को मिलेगा आपको प्राइमरी कैमरा 108 MP का। एंड दोनों ही स्मार्टफोन में जो सेकेंडरी कैमरा है वो देखने को मिलता है 8 MP का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आता है। एंड जो थर्ड कैमरा वो देखने को मिलता है 2 MP का, जो कि माइक्रोशॉट्स क्लिक करेगा। Xiaomi से ये उम्मीद नहीं थी, फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, एटलीस्ट 5 MP का मैक्रो देना चाहिए था, बट यहाँ पे 2 MP का मैक्रो छिपी है, ये मतलब हजम ही नहीं हो रहा है यार। एंड खैर, इस दोनों ही स्मार्टफोन में आपको OIS का सपोर्ट देने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो बैटरी भी यहाँ पे अलग अलग यूज़ करा गया है, जहाँ पे जो Redmi K50 है वहाँ पे देखने को मिलता है 5500 mAh का बैटरी, जो कि 67W के फास्ट चार्जिंग के साथ में आएगा। वहीं पर जो K50 Pro है वहाँ पे देखने को मिलता है 5000 mAh का बैटरी, जो कि 120W के फास्ट चार्जिंग के साथ में आएगा। तो कॉम्बिनेशन दोनों में ही अच्छी यूज़ करी गई है। अब दोस्तों जिसका आप सभी वेट कर रहे थे कि आखिरकार इसमें प्रोसेसर कौन सा यूज़ करा गया है, तो Redmi K50 में आपको देखने को मिलते हैं MediaTek की तरफ से MediaTek का Dimensity 8100 चिपसेट, वहीं पे K50 Pro में आपको देखने को मिलते हैं MediaTek की तरफ से MediaTek का Dimensity 9000 चिपसेट, और दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल चिपसेट है यार। एंड यहां पे आपको LPDDR5 वाला RAM टाइप एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों जैसा कि Xiaomi हमेशा करते आया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं देती है, एंड इसमें भी दोनों में से किसी में भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है। कंपनी के वेबसाइट पे कहीं पे भी मेंशन नहीं करा गया है कि हम इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा कर दे रहे हैं, इवन ये भी नहीं बताया कि हम इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा कर दे रहे हैं, बट कुछ भी मन नहीं मेंशन करा है। तो यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे साइड माउंटेड और यहाँ पे पुट करा गया है, ठीक है यार, कॉस्ट कटिंग करने के लिए। बट इन डिस्प्ले अब देना चाहिए Xiaomi को, टाइम हो गया भाई, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर सारी कंपनियां प्रोवाइड कर रही है, बट नहीं, Xiaomi चिपकी हुई है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेकर। अब दोस्तों यहाँ पे कोई भी 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलने वाला है इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन में। एंड यहाँ पे आपको डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिलेगा, हाँ यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड ये स्मार्टफोन जो है MIUI 13 पर रन करेगा, जो कि एंड्रॉइड 12 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये रही यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की कहानी Redmi K50 एंड Redmi K50 Pro की। अब चलिए मैं आपसे प्राइसिंग के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मैं बात कर लेता हूँ Redmi K40s के स्पेसिफिकेशन की, जो कि बहुत ही तगड़ी प्राइसिंग पे निकल कर आया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे चलिए स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करता हूँ Redmi K40s की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.67 इंच का फुल HD प्लस वाला AMOLED डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज़ का हाइयर रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट एंड यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का देखने को मिलता है। K50 एंड K50 Pro में विक्टर्स मिलता है, बट K40s में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया। अब सामने की तरफ यहाँ पे आपको पंचोली स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 20 MP का सेल्फी कैमरा के साथ में आएगा। बैक की तरफ जो आपको यहाँ पे भी ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो देखने को मिलेगा 48 MP का, सेकेंडरी कैमरा 8 MP का, थर्ड कैमरा जो है 2 MP का, अगेन 2 MP का यूज कर रही है, माइक्रो सेंस नहीं बनता है। एंड यहाँ पे आपको OIS देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा क्लियर बात निकल कर आती है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि ऑब्वियस है टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा। एंड यहाँ पे आपको 67W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा,
काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात ये भी निकल रहा थी, अच्छा कॉम्बिनेशन यूज़ करा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम की तरफ से क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट जो कि LPDDR5 वाले रैम टाइप के साथ में एंड UFS 3.1 वाले स्टोरेज टाइप के साथ में आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब दोस्तों इसमें भी आपको हाँ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दिया गया है, कोई भी 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलने वाले हैं। इसमें भी आपको डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड हाँ इस स्मार्टफोन आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। ये स्मार्टफोन जो MIUI 13 पर रन करेगा जो कि एंड्रॉइड 12 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों ये रही यहाँ पे पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन कहानी रेडमी K40S की। तो यहाँ पे मैंने आपसे रेडमी K50, K50 Pro एंड K40S के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लिया। अब चलिए हमसे बात करता हूँ प्राइसिंग के बारे में। देखिए यहाँ पे मैं सारे वेरियंट्स के प्राइसिंग के बारे में बात नहीं करूँगा, सारे फोन्स के जो है ना तीनों फोन्स के बेस वेरियंट के प्राइसिंग के बारे में आपको मैं बता दूंगा, और क्योंकि उतना इनफ यार, जब इंडियन मार्केट में आएगा तब हम उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि उतना बताना चलूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी जो कि मैं करना नहीं चाहता, आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम सबके बेस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैं शुरुआत करता हूं यहां पे रेडमी K50 Pro से प्राइसिंग की। तो जो इसका बेस वेरिएंट है वो निकल कर आता है 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग जो है चाइनीज मार्केट में रखी गई है 2,999 yuan, जिसको अगर हम इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो निकल कर आता है 35,800 रुपये के आसपास। यहाँ पर जो रेडमी K50 है उसकी प्राइसिंग है निकल कर आती है 2,399 yuan, जो कि है 8+128 वेरिएंट, जिसको अगर हम इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो निकल कर आएगा 28,600 रुपये। अब जो Redmi K40S है उसका जो बेस वेरिएंट है वो निकल कर आता है 6+128, जिसकी प्राइसिंग चाइनीज मार्केट में रखी गई है 1,799 yuan, जिसको अगर हम इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो पता है कितना निकल कर आता है 21,500 रुपये। मतलब सारे 21,000 रुपये में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 870 120Hz का एमोलेड पैनल, OIS 67W का फास्ट चार्जिंग, भाई किलर। बस इस स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में लेकर चले आओ। अब देखिए जो रेडमी K40S है इसको जो है पोको ब्रांडिंग के अंदर इंडियन मार्केट में लेकर आई कंपनी। देखिए तीनों ही स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेंगे, बट रेडमी के अंदर नहीं मिलेंगे, पोको F4 सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर जो सबसे एग्रेसिवली प्राइस्ड होगा होगा रेडमी K40S का रीब्रांड, जो कि पोको F4 हो सकता है या फिर पोको F4 का ही नाम से आएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आप मानकर चलिए कि जो रेडमी K40S है उसकी प्राइसिंग आपको अप्रॉक्स इंडियन मार्केट में 25,000 से 26,000 के आसपास देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, ये स्मार्टफोन की प्राइसिंग 25,000 से 26,000 के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। वहीं पे जो Redmi K50 Pro है उसका 5,000 एक्स्ट्रा महंगा चलिए, जैसे कि 35,800 में लॉन्च करा है चाइनीज मार्केट में, तो इंडियन मार्केट में आते आते 40,000 इसकी प्राइसिंग हो जाएगी। Redmi K50 की प्राइसिंग आप मानकर चल सकते हैं अप्रॉक्स 33-34 के आसपास भटकने वाली है। अब दोस्तों आपसे इंडिया लॉन्च करने बात करूँ यार, कब तक ये स्मार्टफोन में इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो देखिए ये स्मार्टफोन जो है पहले ग्लोबली लॉन्च होगा पोको एफ सीरीज के अंदर, और बिल्कुल मतलब बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग लीक्स निकल कर आए हैं, बिल्कुल आप कंफर्म रहिए ये स्मार्टफोन आपको बहुत ही जल्दी, मतलब अगर कंपनी बहुत ज़्यादा जल्दी लाती है तो अप्रैल में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें से एक तो स्मार्टफोन रेडमी K40S है वो तो मतलब बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले हैं स्नैपड्रैगन 870 के साथ में, वो बहुत जल्दी आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। तो मांगा चलिए कि अप्रैल के एंड तक आपको देखने को मिले तो मिलो, नहीं तो मई में कन्फर्म देखने को मिल जाएंगे। तो एक से डेढ़ महीना के अंदर आपको स्मार्टफोन जो है इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएंगे पोको एफ सीरीज के अंदर, मतलब F4 सीरीज के अंदर। तो बस दोस्तों यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था रेडमी की 50 सीरीज रिगार्डिंग एंड रेडमी K40S के बारे में। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे कैसे कौन वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय।